नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। बढ़ती पेट्रोल कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जिले में पद्मावत फिल्म को देखने पहुंचे लोग। आशा वर्कर्स यूनियन को हुआ रिटायर्ड कर्मचारी संघ का समर्थन प्राप्त। लोगों ने रक्तदान कर जिंदगी बचाने का दिया संदेश। थापर इंटरनेशनल स्कूल में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। गुरु नानक खालसा कॉलेज की निलंबित प्राध्यापकों के समर्थन में आए सभी कॉलेज प्राध्यापक। और अब गतिविधियां विस्तार से। बढ़ती पेट्रोल कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। देश में आसमान छूती पेट्रोल की कीमतों को लेकर आज यमुनानगर के जिला सचिवालय में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, और इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है कि बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम जनता काफी परेशान है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राजपाल भुखड़े का कहना है कि मौजूदा सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आम जनता पर भारी असर पड़ा है। उनकी मांग है कि बढ़ती कीमतों को कम किया जाए, और अगर सरकार इनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है तो कांग्रेस से सभी कार्यकर्ता सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे। आज राजपाल भुखड़े जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डीजल में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से, महंगाई से आम आदमी की परेशानी भरे ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया है। माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को ये हम तुरंत भिजवा देंगे। जैसा भी सरकार निर्णय लेना चाहेगी वो अपने स्तर पर लेंगे। हमने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने जब से सरकार बनी कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर गिरावट आती गई, लेकिन 3.5 साल से लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी वृद्धि सरकार ने की है, और ये सरकार जनता की जेब काटने का कार्य कर रही है। आज क्रूड ऑयल के जो कच्चे तेल के कीमतें हैं वो 70-71 डॉलर प्रति बैरल के करीब है, और डीजल और पेट्रोल, डीजल हमें 64 रुपये से ऊपर और पेट्रोल हमें 74 रुपये के करीब आम जनता को पड़ रहा है। तो ये बहुत भारी लूट सरकार द्वारा जनता से की जा रही है, जनता की जेब काटने का काम हो रहा है। उसके विरोध में हमने रोज प्रदर्शन किया है हमारे कांग्रेस के साथियों ने, और हमने एक महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भेजा है कि सरकार को इसके बारे में संचेत करे, क्योंकि जनता, आम जनता पर भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। आम जनता भी महंगाई से बहुत तंग है। ये ज्ञापन हम देखो, जब से ये सरकार बनी केंद्र में और राज्य में, किसान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। इन्होंने किसान की ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया, और आज चाहे आलू की फसल है वो भी घाटे का सौदा बनी हुई है। पॉपुलर हमारे इलाके की मुख्य फसल है, सफेदा हमारे इलाके की मुख्य फसल है, उस वो भी हमारी बर्बादी की तरफ है। किसान घाटे की तरफ बढ़ रहा है। हम इसको पूरे प्रदेश स्तर पर और पूरे जिला स्तर पर हम सड़कों पे आएंगे। अगर सरकार हमारे जो मांग है कि तेल के रेट कम किए जाएं, उस पर अगर संज्ञान नहीं लेती सरकार, तो हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सड़कों पे आकर प्रदर्शन करेंगे। जिले में पद्मावत फिल्म को देखने के लिए पहुंचे लोग। शनिवार को डिंपल सिनेप्लेक्स में फिल्म के चले 12 शो। हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन दिखा मुस्तैद। जिले के डिंपल सिनेप्लेक्स में आज पद्मावत फिल्म को दिखाया गया। डिंपल सिनेमा में फिल्म के 12 शो चलाए गए। लोगों के प्रदर्शन के कारण जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया, ताकि फिल्म को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोगों द्वारा किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। देश में पद्मावत फिल्म को लेकर चल रहे तमाम विवादों के बीच 25 जनवरी को फिल्म रिलीज कर दी गई थी, जिसको लेकर जिले के सैकड़ों लोगों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद डिंपल सिनेमा ने फिल्म को न चलाने की बात कही थी। प्रदर्शनकारियों ने सख्त लहजे में कहा था कि अगर फिल्म चली तो उसका विरोध किया जाएगा। वहीं सिनेमा हॉल मालिकों का कहना था कि अगर प्रदेश भर में सिनेमा चलने पर कोई विवाद नहीं हुआ तो वह फिल्म पद्मावत चलाएंगे। विवाद के कारण लोगों में फिल्म को देखने को लेकर काफी उत्सुकता थी। 2 दिन फिल्म तो नहीं चली, लेकिन जैसे ही पता चला कि फिल्म को लेकर प्रदेश में ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, तो जिले में भी फिल्म को दिखाया जाने लगा। वैसे तो रूटीन में 12 शो हैं पर डे, 3 ऑडिज हैं, तो लेकिन आज पहला शो ही हमने 11:30 बजे शुरू किया है, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद
धीरे धीरे जैसे लोग आएंगे तो चलाएंगे इसको। तो सर कैसा सा रिस्पांस रहा जो फर्स्ट डे में? रिस्पांस बहुत पुअर है, नेग्लिजिबल है, लेकिन क्योंकि पहला ही शो है तो कह नहीं सकते, दूसरे शो में उससे थोड़े बेटर हैं, 15-20 आदमी हैं, तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएंगे। एक दिन का टाइम तो हम समझते हैं लेंगे पब्लिक भी। देखिए जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी 4 दिन से दे रही है। पुलिस हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है हर कदम पर, और स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव माई कॉन्ग्रेट्स टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली टू SSP, जिन्होंने इतनी अच्छी मॉनिटरिंग की है और इतनी अच्छी ड्यूटीज लगाई हैं कि फर्स्ट टाइम आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, और उनकी वजह से ही हमारे अंदर शक्ति आती है लोगों। हाँ 4 दिन से क्योंकि पुलिस खड़ी है, शो नहीं चल रहे थे, जो थोड़े बहुत पिक्चर देखने वाले होते हैं विद फैमिली आना, वो स्टूडेंट्स भी घबराते हैं, तो घबराहट की वजह से बहुत कम लोग आ जाए हैं। लोगों को आज पता लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट डे हमारे पास बुधवार को या वीरवार को, आई डोंट नो, वीरवार को शायद कुछ लोग आए थे, वो एक बहुत अच्छे ढंग से आए तो थे 200-250 एक ग्रुप के उसमें, मगर वो चेतावनी भी थी और एक हमारे को मेमोरेंडम सा वो दे के गए थे, और वो रिक्वेस्ट से था कि जी इसमें राजपूतों की शान के खिलाफ बहुत कुछ किया, पद्मावती जी की खिलाफ शान है, तो इसलिए आप ये ना चलाएं, एक रिक्वेस्ट लेटर था। हमने उनको ये एश्योरेंस दी थी कि आप बड़े अच्छे ढंग से आए हो, एक होता सीधा प्रोटेस्ट करने आ जाए, अच्छे ढंग से आए हो, आपकी बात का पूरा समर्थन होगा और हम आपके साथ हैं, यदि पिक्चर के अंदर कोई भी चीज़ गलत है हम नहीं चलाएंगे, और यदि हरियाणा में और स्टेशनों पे चलती है तो हम फिर चलाना चाहेंगे उसका रिस्पांस देखने के बाद। उन्होंने भी वेलकम किया, और 2 दिन के बाद सारे हरियाणा में जब ये फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, इन सब स्टेशनों पे चली है जहाँ पे ज़्यादा डर था कि उत्पात होगा, जब वहीं नहीं हुआ तो यहाँ तो कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छे ढंग से, और जो पुलिस प्रोटेक्शन मिली है लोगों को वैसे भी समझना चाहिए, कोई पुलिस के रहते हुए डर नहीं है, सेफ्टी है, और फैमिलीज़ के हिसाब से पिक्चर बनाई है, दे शुड सी इट। जनता को कहेंगे कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप आइएगा पिक्चर को देखिएगा, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, जैसे पहली पिक्चर होती थी सोशल और फैमिलीज देखने के लिए, वैसी पिक्चर बनी है। और संजय लीला भंसाली को स्पेशली मैं तो कहूँगा कि ही इज़ द ओनली डायरेक्टर जो अच्छी पिक्चरें बना रहा है इस वक्त। आशा वर्कर्स यूनियन को मिला रिटायर्ड कर्मचारी संघ का समर्थन। 30 जनवरी को अन्य ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर करेंगे जेल भरो आंदोलन। जिले के सैकड़ों आशा वर्कर्स ने आज CMO कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स यूनियन की मांग है कि उनको दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये लागू करने, समान काम समान वेतन तथा 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन के निर्णय अनुसार कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही इन वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आशा वर्कर्स अपनी इन मांगों को लेकर 29 जनवरी तक हड़ताल पर बैठेगी और 30 जनवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। वहीं आज इन आशा वर्कर्स को रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने अपना समर्थन दिया। पिछले 10 दिनों से चल रहे आशा वर्कर्स के प्रदर्शन को सहयोग देते हुए रिटायर्ड कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उप प्रधान जर्नैल सिंह सांगवान ने बताया कि सरकार ने अब तक संघ की मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और ना ही उनके लिए बनाई गई नीतियों को लागू किया है, इसलिए रिटायर्ड कर्मचारी संघ व आशा वर्कर्स यूनियन अन्य ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर सरकार के विरोध में जेल भरो आंदोलन करेगी। मेरा नाम जर्नैल सिंह सांगवान, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा का मैं स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ सोमनाथ जी हैं जो हमारे जिला यमुनानगर के रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी हैं। 30 जनवरी को जो जेल भरो आंदोलन है केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर, रिटायर्ड कर्मचारी संघ भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो ये आशा वर्कर या जो दूसरे जो आशा वर्कर का जो आंदोलन लंबा चला हुआ है 17 जनवरी से, और सरकार आज तक भी इनसे कोई बात नहीं कर रही है, इनकी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, हम आशा वर्कर के आंदोलन का भी समर्थन करते हैं। इसके अलावा 30 जनवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियन और इसमें C2 मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, सर्व कर्मचारी संघ या और भी जो शामिल हैं, ये भवन निर्माण के मजदूर ये भी शामिल हैं, हम इस आंदोलन में इसलिए शामिल हैं
क्योंकि रिटायर कर्मचारियों के साथ भी सरकार ने कुछ वायदे किए थे। 1 जनवरी 2018 को एक लेटर जारी किया है हरियाणा सरकार ने, जिसमें पहले इन्होंने माना था कि 70 और 75 साल की एज पर हम रिटायर कर्मचारियों की 20-25% बेसिक पेंशन वृद्धि कर देंगे। मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की बात की थी, लेकिन सरकार ने उससे तो मुकर गई, एक नया लेटर जारी किया है, पेंशन संशोधित की है 1/16 से। 25 तारीख तक ये ब्लॉक वाइज प्रदर्शन धरना दे रहे थे डीसी कार्यालय के सामने। 27 तारीख से इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के, मतलब पूरे स्टेट में आशा वर्कर अब अपने डिस्ट्रिक्ट पर इकट्ठी हो रही हैं और ये हड़ताल 30 तारीख को जेल भरो आंदोलन के साथ चलेगी। उसके बाद अगला निर्णय जो होगा वो 30 तारीख को ही लिया जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि इन आशा वर्कर्स की हड़ताल के साथ रिटायर्ड कर्मचारी संघ बाकायदा इनका समर्थन करता है और इनकी हड़ताल में इनके साथ भी है, अपनी भी जेल भरो है और हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। लोगों ने रक्तदान कर जिंदगी बचाने का दिया संदेश। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। यमुनानगर में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन बैंक द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में बैंक के ग्राहकों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व रक्तदान किया। इस अवसर पर ब्लड डोनेट कर रहे ब्लड डोनर्स का कहना है कि रक्तदान से पुनीत कार्य और कोई नहीं हो सकता। लोगों को समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए ताकि रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए। मेरा नाम कृष्णा कचियार है। हमारे यहाँ आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे कस्टमर्स, हमारे वेलविशर्स और हमारे स्टाफ ने बड़े उत्साह के साथ योगदान दिया है और हम बैंक ऑफ बड़ौदा और हम ये चाहते हैं कि भी सड़कों पे कोई दुर्घटना हो तो उसके लिए रक्त जो है इकट्ठा जो है लिया जाए, कोई किसी की मौत रक्त के बिना ना हो। हायर अथॉरिटी के निर्देश भी होते हैं और हम समय समय पे इनका आयोजन करते रहते हैं और इस बार भी हमने किया है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज ये, मतलब हमारे बैंक ने ये काम किया है। हमारे यहाँ एक बहुत ही वैल्यूअर कस्टमर हमारे और उन्होंने 175वीं बार आज रक्तदान किया है, श्री परवीन मुदगिल जी ने। राष्ट्रपति अवार्ड से वो नवाजे गए हैं पहले और आज 175वीं बार उन्होंने रक्तदान। अपनी इच्छा से सभी लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, कस्टमर ने, सभी ने अपनी इच्छा से किया, किसी को प्रेशराइज नहीं किया। थापर इंटरनेशनल स्कूल में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। हाथों में झंडा लहराते हुए बच्चों ने कार्यक्रम में लिया बढ़ चढ़कर भाग। यमुनानगर के थापर इंटरनेशनल स्कूल में आज 69वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से सबका दिल जीत लिया। समारोह की शुरुआत बच्चों द्वारा मार्च पास्ट करके की गई। कार्यक्रम में बच्चों के लिए स्लोगन लिखने की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति के विषय पर एक से बढ़कर एक स्लोगन लिखे। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती मिन्नी शर्मा ने बच्चों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही बच्चों को गणतंत्र दिवस की महत्वता से अवगत कराया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन श्री अशोक थापर ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की नींव होते हैं और इस तरह के समारोह से बच्चों में देशभक्ति की भावना विकसित होती है, जिससे वे आगे चलकर समाज के सजग नागरिक बनते हैं। गुरु नानक खालसा कॉलेज के निलंबित प्राध्यापकों के समर्थन में आए सभी कॉलेज प्राध्यापक। 30 जनवरी को कॉलेज टीचर्स देंगे 1 घंटे का सांकेतिक धरना। गुरु नानक खालसा कॉलेज के 2 प्राध्यापकों को निलंबित किए जाने के मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सभी कॉलेजों के टीचर्स धरने पर बैठे हैं। टीचर्स का यह प्रदर्शन पिछले 23 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने अब तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। इसी को देखते हुए यमुनानगर के सभी कॉलेजों के प्राध्यापक 30 जनवरी को 1 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे। साथ ही 1 फरवरी को सभी टीचर्स निलंबित किए गए प्राध्यापकों को वापस लाने की मांग को लेकर कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। 4 जनवरी से ये धरना चल रहा है, आज 23वां दिन चल है इसका। और जो हमारी मांगे थी वो यही थी कि जो 2 साथियों को सस्पेंड किया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, उनको वापस लिया जाए, उनको बहाल किया जाए। और बाकी के जो 4 साथी हैं जिसको सीरियस मिसकंडक्ट का लेटर दिया हुआ है, वो भी लेटर जो है वापस लिया जाए। क्योंकि देखिए, आप किसी को एक दिन में इस तरह के लेटर या सस्पेंड नहीं कर सकते।
ये सिर्फ अपनी सैलरी को टाइम से मिलने के लिए इन्होंने एक घंटे का जो सांकेतिक धरना दिया था और उस पर इनको लेटर पकड़ा दिया जाता है। और वो जो धरना इन 8 लोगों ने नहीं दिया था, 42 लोगों ने दिया था, लेकिन 42 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को लेटर दिया गया, 8 में से भी 2 को सस्पेंड किया गया, 4 को सीरियस मिसकंडक्ट का लेटर दे दिया और 2 से इन्होंने लिखवा लिया। मतलब इसमें भी इन्होंने कैटेगरीज बना दी। वह अभी तक तो इस तरह की कोई बातचीत कोई आई नहीं, ऊपर से कोई ऐसा संकेत नहीं आया। हमने रोज प्रदर्शन किया था और आगे भी, अभी जो हमारा धरना है इससे भी और बड़े रूप में शुरू होने जा रहा है। जैसे कि 30 तारीख को पूरे स्टेट के अंदर एक घंटे का, 1 से लेकर 2 बजे तक का स्टेट के हर कॉलेज में धरना दिया जाएगा। और 1 तारीख से भूख हड़ताल शुरू होगी। हड़ताल का टाइमिंग्स जो होगा, जो 5 लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे वो सुबह 10 बजे यहाँ बैठ जाएंगे और 10 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक वो लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। पहले दिन जॉन से बैठेंगे, जॉन के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर तेजवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर निर्मल सिंह, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर किरण शर्मा और एक डॉक्टर श्री प्रकाश और 1 या 2 लोग जो है वो खालसा कॉलेज से बैठे। मनदीप सिंह जी का इस बारे में हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। उनका कई बार वो कहते हैं कि मैं टीचर्स के साथ हूँ। अगर आप टीचर्स के साथ हो तो ये जो टीचर्स के साथ हुआ है ये किसके माध्यम से हुआ है, कौन मीडिएटर था? ये बातें अगर मैनेजमेंट तक जाती हैं, मिसफीड होता है, तो ये कौन लेके जाता है? ये प्रिंसिपल लेके जाता है या कोई आम आदमी लेके जाता है? क्योंकि मैच्योर प्रिंसिपल वो होते हैं जो चीज़ों को डाइल्यूट कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, उनको रफा दफा कर देते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं पहुँचाते। अब उन्होंने एक बार ये कर दिया, लेकिन अब ये उन्हीं को तो भुगतना पड़ेगा ना भाई। जिस कॉलेज में वो बैठे हुए हैं एज ए प्रिंसिपल, उस कॉलेज का माहौल ख़राब हो रहा है। टीचर्स बाहर धरने पे नारे लगा रहे हैं, अंदर क्लासेस चल रही हैं, तो यहाँ कौन सफ़र कर रहा है? प्रिंसिपल ही कर रहा है ना। प्रिंसिपल को ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं और आएंगी, क्योंकि अब इससे आगे आगे इस धरने का जो रूप होगा वो और भी ज़्यादा क्रूर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।